सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खास खबरां ते। भगवंत मान सरकार दा पहला बजट पेश, ना कोई नवा टैक्स ते ना ही मिली कोई छोट। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा बजट च हर वर्ग दियां जरूरतां दा रख्या ख्याल। हरपाल चीमा ने 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। पिछली वार नालों 26% वध। सरकार ने सेहत ते सिक्ख्या खेत्र च सहूलतां ते दित्ता ज़्यादा जोर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की बजट की तारीफ। मान ने कहा सारियां दियां उम्मीदां ते पूरा उतरन वाला आम लोगों का बजट किया गया पेश। असी जनता ते नहीं कोई नवा लाया टैक्स। बजट इजलास दौरान कांग्रेस का हंगामा। राजा वड़िंग ने कहा सरकार का एक साल पूरा होने के बाद भी कई वादे अधूरे। औरतों को 1,000 रुपया महीना देने बारे जिक्र नहीं किया। सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रद्द किया अमरीका दौरा। चन्नी ने कहा भगवंत मान मैनू गिरफ्तार करना चाहते ने, इसलिए देश छड़ के नहीं जावांगा। तो हुण खबरां दा विस्थार। भगवंत मान सरकार ने अज पंजाब विधानसभा च अपना पहला पूरा बजट पेश किया। बजट पेश करदिआं वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस बार उन्हां दी सरकार अपने कई वादियां ते गरंटियां नूं पूरा करन जा रही है। चीमा ने दस्या कि वित्तीय साल 2023-24 लई बजट पंजाब दा 1,96,462 करोड़ रुपए होवेगा, जो पिछले साल नालों 26% वध है। इस दौरान चीमा ने दावा किया कि आप सरकार दा सब तो वध ध्यान सिक्ख्या ते सेहत खेत्रां ते है, पर दूजे खेत्रां ते भी बराबर ध्यान दिता जा रहा है। मान सरकार ने खेतीबाड़ी अते सहायक धंधियां लई 13,888 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जो पिछले साल के मुकाबले 20% वध है। इस दे नाल ही चीमा ने जानकारी दी कि नवी खेती नीति नूं पंजाब च लियाउण दा प्रस्ताव रख्या गया है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों किसानों नूं फसल बीमा योजना भी प्रदान की जाएगी। पंजाब दी मान सरकार वालों अज साल 2023-24 लई अपना पूरा बजट पेश किया गया। पंजाब सरकार ने इस बार कुल 1,96,462 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट दौरान मान सरकार ने खेतीबाड़ी की महत्ता नूं दोहरांदिया खेतीबाड़ी अते सहायक खेतरां लई 13,888 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जो पिछले साल के मुकाबले 20% वध है। मैं हुण वित्तीय साल 2023-24 लई वित्तीय साल 2023-24 लई 1,96,462 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्च की तजवीज़ रखता हाँ सर, जो कि सर नोट करने वाली जो कि वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले 26% का वड्डा वाधा सर। मैं खेतीबाड़ी अते सहायक खेत्र खेतीबाड़ी ते सहायक खेत्र 2023-24 लई 13,888 करोड़ रुपए के उपबंध की तजवीज़ रखता हाँ सर, जो कि पिछले साल नालों 20% वाधा सर। साड़ी सरकार ने सर हरेक पिंड विच विस्तार सेवावां प्रदान करने ते किसानां दे घर घर जाके सूचना ते जानकारी देने लई 2574 सर किसान मित्रां नूं शामिल करन दा फैसला किया गया। इक जोखम भरिया किया गया, हर साल किसी ना किसी खेत्र विच कोई ना कोई फसल जिहड़ी आ उह खराब मौसम या किसी होर बीमारी दी मार हेठ आ जांदी आ, जिस नाल फसल ते किसान दा नुकसान हुंदा सर। साडी सरकार दे नेक इरादियां नूं प्रगट करदे होए मैं ऐलान करना चाहांगा कि सर किसानां नूं मौसम दीआं तब्दीलियां अते होर बेजकीनियां तों बचाउण लई फसल बीमा प्रदान की जाएगी। फसल बीमा योजना की डिटेल जी रूपरेखा वो तैयार की जा रही है, बड़ी जल्दी जी है यदि अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री साहब करेंगे सर। दसनयोग है कि बजट पेश करन दौरान पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जिथे अपनी सरकार दियां प्राप्तियां गिनवाईयां ने, उथे उन्होंने पिछलियां सरकारां नूं वी कोसिया। पंजाब सरकार ने बजट च सिक्ख्या दे खेत्र नूं काफ़ी अहमियत दिती है। पंजाब सरकार ने स्कूल अते उच्च सिक्ख्या लई 17,072 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी है, जो पिछले साल नालों 12% वध है। इस तों इलावा तकनीकी सिक्ख्या संस्थावां दे सुधार लई 615 करोड़ रुपए का उपलब्ध प्रस्तावित है, जो पिछले साल नालों लगभग 6% वध है। मैडिकल सिक्ख्या लई वित्तीय साल 2023-24 च 1,015 करोड़ रुपए रखे गए ने। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश करदिआं कहा कि ठेके ते कम करन वाले मुलाजमां नूं नियमित करन दी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। पंजाब विधानसभा चोणां दे विच चोण प्रचार दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाबियां नाल इह वादा कीता सी कि सिक्ख्या दे म्यार नूं उच्चा चुकण दे लई हर ओह कदम चुकिया जाएगा जो पंजाबियां दे हित विच होवेगा अते
इसे वादे नूं हुण पूरा करन दे उद्देश नाल पंजाब सरकार ने अपने बजट दे विच स्कूली अते उचेरी सिख्या दे लई 17,072 करोड़ रुपए देण दा ऐलान कीता जो कि पिछले साल नालों 12% वाध है। इस दे नाल ही उन्हां इह वी ऐलान कीता कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम तहत ओबीसी विद्यार्थियों अते अनुसूचित जातियां दे विद्यार्थियों लई क्रमवार 18 करोड़ अते 60 करोड़ रुपए देण दा वी फैसला कीता है। सिख्या आर्थिक विकास अते समाजिक तरक्की दा इक्को किंजण आ सर, सिख्या सर समाजिक विकास अते समाजिक तरक्की दा इक्को किंजण आ सर। इसलिए हर सरकार दा फर्ज बनदा कि सिख्या दे खेत्र दे विच निवेश करे। मैं स्कूल अते हायर एजुकेशन दे लई 17,074 करोड़ रुपए दे उबन दी तजवीज़ रखदा हाँ सर, जिहड़ा कि पिछले साल के मुकाबले 12% पिछले साल के मुकाबले स्पीकर साहब 12% का एक वड्डा वादा असी सिक्ख्या दे एजुकेशन दे बजट दे विच इस साल। अध्यापन अते गैर अध्यापन काडर नाल संबंधित ठेके ते कम करन वाले कर्मचारियों जिन्हां दी गिणती सर हज़ारां विच है उन्हां नूं सर निजमत करन दा, उन्हां नूं पक्के करन दी प्रक्रिया जिहड़ी आ उह शुरू हो चुकी आ, उह बड़ी जल्दी जिहड़ी आ उह पूरी हो जाएगी। स्कूलां दी सांभ संभाल अते सारे सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों लई अस्टेट मैनेजर दीआं असामियां सिरजण लई विधिवत ढंग नाल सर एक नीति तैयार की आ। वित्ती साल 2023-24 स्कूलों विच मुढ़ली साफ सफाई, स्कूलों के अंदर मुढ़ली साफ सफाई अते सांभ संभाल नूं यकीनी बनाउण दे लई सर 99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखदा हाँ। साडी सरकार वल्लों पिछले सालों तों रुकी पई 140 करोड़ रुपए की वजीफा राशि ओबीसी विद्यार्थियों अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों नूं जारू असी कीती सी सर, जिहड़ी पिछले सालों की रुकी पई सी। मैं वित्तीय साल 2023-24 लई ओबीसी विद्यार्थियों अते अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों लई क्रमवार 18 करोड़ रुपए अते 60 करोड़ रुपए के बजट की तजवीज़ रखदा सर। पंजाब यंग एंटरप्रन्योर प्रोग्राम राही विद्यार्थियों के अंदर साडे स्टूडेंट के अंदर वित्तीय लीडरशिप, स्पीकर साहब वित्तीय लीडरशिप हुनर पैदा करने के उद्देश नाल शुरू किया गया इस स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत सरकार सर 11वीं जमात के विद्यार्थियों विच अपने कारोबारी विचारों नूं प्रस्तावित करन दे लई सर प्रति जिहड़ा विद्यार्थी आ असी उह 2000 रुपए के हिसाब नाल सीड मनी सरकार प्रदान करेगी सर, सहायता करेगी। और ये मैं सर 30 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखदा ता कि साडे विद्यार्थियों के अंदर एक बिजनेस की जिहड़ी आ भावना पैदा हो सके। पंजाब सरकार ने अज पेश किए गए बजट च सेहत खेत्र लई 4,781 करोड़ रुपए रखे ने। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हुशियारपुर ते कपूरथला च 2 नवे मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इन्हां दोवें कॉलेजां विच 100-100 MBBS सरकारी सीटां होणगियां। दोवां मेडिकल कॉलेजां लई क्रमवार 422 ते 412 करोड़ रुपए राखवें रखे गए ने। वित्त मंत्री ने कहा कि फाजिलका च कैंसर केयर यूनिट जल्द शुरू होगा। मेडिकल सिक्ख्या ते खोज लई 1,015 करोड़ रुपए राखवें रखे गए हैं। आम आदमी क्लीनिकां लई बजट च कुछ नहीं रख्या गया पर सेहत केंद्रां दी मजबूती लई 39 करोड़ रुपए रखे गए ने। होमी भाभा कैंसर सेंटर लई 17 करोड़ रुपए रखे गए ने। हरपाल चीमा ने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत नाल सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर ते रजिंद्रा हस्पताल पटियाला विखे ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। बरनाला के पिंड ठीकरीवाल विखे एक नवा नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। पंजाब दे बच्चों नूं उचेरी सिक्ख्या देण दे नाल नाल आम आदमी पार्टी ने सेहत खेत्र दे विच सुधार करन दा वी पंजाब दे लोकां नाल वादा कीता सी, जिस मंतव तहत सरकार दे वल्लों इस साल सेहत अते परिवार भलाई दे लई 4,781 करोड़ रुपए रखे गए ने, जो कि पिछले वरे दे मुकाबले 11% वध है। आप सरकार सर आम आदमी पार्टी दी सरकार सूबे दे विच सेहत प्रणालियां नूं मजबूत करन दे लई लगातार काम कर रही है सर। पिछले साल सर दर्शाई दिशा अनुसार असी यह यकीनी बनावांगे कि बुनियादी सेहत सहूलतां जिवें दवाइयां डायनोस्टिक्स समाज के हरेक वर्ग तक पहुँच सकन। साडा मनना है कि सेहतमंद आबादी वाला पंजाब ही सर निरंतर विकास वल जा सकदा है। मैं वित्तीय साल 2023-24 लई सेहत अते परिवार भलाई दे लई
4,781 करोड़ रुपए के बजट का बंद करने का प्रस्ताव रखदा सर, जो कि पिछले साल के मुकाबले 11% सर वाधा 11% बजट के वाधा किया गया सर। इस तरह सर कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर विखे 119 करोड़ रुपए की लागत के नाल स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और फाजिलका विखे सर 46 करोड़ रुपए की लागत के नाल कैंसर केयर सेंटर की जिहड़ी जल्दी शुरू होने की सर मैं उम्मीद है। इस तरह सर मैं वित्तीय साल 2023-24 विच कुल 100 करोड़ रुपए की लागत नाल सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर, राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला विच सर ट्रॉमा सेंटर अते पिंड ठीकरी वाला विखे सर जिला बरनाला विखे एक नवा नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की तजवीज़ सर मैं रखदांगा। साड़ी सरकार ने राज विच सारियां सेकेंडरी सेहत संभाल संस्थावां CHC SDH अते जिला हस्पतालां नूं सर मजबूत करने एक विशेष प्रोजैक्ट शुरू करन दा प्रस्ताव रखिया सर। इन्हां हस्पतालां नूं ना सिर्फ वड्डे पद्धर दे उत्ते पुनर सुरजीत किया जाएगा सगों मैडिकल अफसर स्पैशलिस्ट दियां सर 363 अते मैडिकल अफसर ने जनरल दियां सर 470 खाली पईयां जिहड़ियां असामियां ने उन्हां नूं भरन दे लई विशेष भर्ती मुहिम जिहड़ी आ वह भी चलाई जाएगी और वित्तीय साल 2023-24 दौरान मैं इन्हों सेहत केंद्रों की मजबूती दे लई सर 39-39 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्चे की जरिए प्रस्ताव रखता हाँ सर। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने ऐलान किया कि खेडां दे बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन दे लई ते वख-वख पहलकदमियां करन दे लई 258 करोड़ रुपए की वंड वित्तीय साल 2023-24 लई राखवीं करन की तजवीज़ भी रखी गई है, जो कि साल 2022-23 के मुकाबले 55% वध है। नाल ही उन्हां ऐलान किया कि सरकार एक नवी खेड नीति तैयार कर रही है जो खिडारियों नूं मुकाबलियां लई तैयार करन च मदद करेगी। इस तों उन्होंने दस्या कि खेडां दे समान की खरीद लई 3 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट का फैसला लिया गया है। पंजाब दे विच खेडां नूं बढ़ावा देने दे लई मान सरकार वालों वित्तीय साल 2023-24 दे विच स्पोर्ट्स खेतर नूं वी थां दित्ती गई है। बजट पेश करदे समय खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने ऐलान किया है कि खेडां दे बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन लई अते वख-वख पहलकदमियां करन दे लई 258 करोड़ रुपए की वंड वित्तीय साल 2023-24 लई राखवीं करन की तजवीज़ रखी गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 55% वध है। नाल ही उन्होंने भी ऐलान किया कि खेडा दे समान की खरीद लई 3 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट का भी फैसला किया गया है। पंजाब नूं देश दा मोहरी सूबा बनाउण दे उद्देश नाल साडी सरकार विच एक नवी स्पोर्ट्स नीति तैयार कर रही है सर, एक नवी स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार कर रही है जो साडे खिडारियों नूं राष्ट्रीय अते अंतरराष्ट्रीय पद्धर के मुकाबलों लई तैयार करन दे विच मदद करेगी सर। और इसे लई सर मैं खेडा दे बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन अते वख-वख पहलकदमियां करन लई सर 258 करोड़ रुपए की वंड जिहड़ी वित्तीय साल 2023-24 की राखवीं करन की तजवीज़ रखदा हाँ, जो कि वित्तीय साल 2022-23 दे नालों सर 55% का उहदे विच 55% का जिहड़ा इक वड्डा वाधा गा 258 करोड़ रुपए की वंड का तजवीज़ करदा तां कि साडे बच्चे जिहड़े ने उहनां नूं अच्छियां खेडां दे दीन देशां विदेशां विच मल्लां मारन। साडी सरकार ने प्रस्टीजियस शहीद आजम सरदार भगत सिंह राज युवा पुरस्कार नूं सर मुड़ सुरजीत किया। इस दे तहत सर हरेक जिले के अंदर 2 नौजवानों चुनिया जाएगा और उस जिहड़े चुने हुए नौजवानों एक मैडल 51,000 रुपए की राशि और एक सर्टिफिकेट नाल सन्मानित किया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स अकैडमीज और खेड विंगा विच कोचिंग लैण वाले खिडारियों लई खेड साजो समान की खरीद की प्रक्रिया जिहड़ी आ शुरू हो गई की गई है सर। मैं वित्तीय साल 2023-24 दौरान खेडां दे समान की खरीद लई 3 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट की तजवीज़ रखता हाँ सर। इत्थे दस दईए कि नौजवानों अते प्रतिभाशाली खिडारियों के मनोबल नूं वधाउण लई पंजाब दी मान सरकार वालों ब्लॉक पद्धर तो लैके राज पद्धर तक खेड टूर्नामेंट खेडा वतन पंजाब दियां 2022 का आयोजन किया गया सी। इन्हां खेडां दे विच लगभग 3 लख खिडारियों ने भाग लिया सी अते 9,961 जेतु खिडारियों नूं 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी वंडी गई सी। पंजाब सरकार दे बजट च पुलिस अते कानून व्यवस्था दे लई 10,523 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख्या गया है,
जो कि पिछले साल तो 11% वध है। इस तों इलावा पुलिस बलों नूं मजबूत करन दे लई वित्तीय साल 2023-24 च 64 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखी गई है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि राज्य के सरहदी ज़िलों च बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करन लई वित्तीय साल 2023-24 च 40 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट का प्रस्ताव रख्या गया। इस दे नाल ही उन्होंने शरारती अंसरां नूं चेतावनी दी कि वह कानून की पालना करन, नहीं तो सरकार उन्होंने जड़ तो खत्म कर देवेगी। हुण गल करदे आं पंजाब दी कानून व्यवस्था ते जिस नूं लै के विरोधियों वालों लगातार मान सरकार नूं घेरिया जा रही है। पंजाब दी कानून व्यवस्था नूं सुधारन दे लई अते पंजाब दे विच इस व्यवस्था नूं बना के रखन लई सरकार दे वालों 10,523 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया, जो कि पिछले साल तो 15% वध है। इस तों इलावा पुलिस बलों नूं मजबूत करन लई साल 2023-24 विच पुलिस बलों के आधुनिकरण लई 64 करोड़ रुपए की तजवीज भी रखी गई है। पुलिस अते कानून व्यवस्था कुछ बुरियां ताकतां हमेशा साढ़े सीमा वर्ती राज्यां विच अमन विच शांति अते व्यवस्था नूं बिगाड़न दे मौकियां दी भाल च रहिंदियां हन। बीते समय विच कीते गए अजिहे जतनां दा मुकाबला साढ़े बहादुर पुलिस बलों ने सफलतापूर्वक किया सर। मैं अपनी सरकार वालों पंजाब दे दुश्मनों नूं चेतावनी दिंदा सर, पंजाब दे दुश्मनों नूं चेतावनी दिंदा कि वह कानून की पालना करन, नहीं तो साड़ी सरकार उन्होंने जड़ तो खत्म कर देवेगी सर। कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए सर मैं पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था बनाई रखने के लिए मैं सर 10,523 करोड़ रुपए के उबन का प्रस्ताव रखता हाँ, जो कि वित्तीय साल 2022-23 के नालों सर 11% वाधा सर। अपराधा नाल नजिठण अते कानून व्यवस्था कायम रखण अते राज विच अमन शांति बनाई रखने के लिए सर पुलिस बलों नूं मजबूत करने लिए मैं वित्तीय साल 2023-24 पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सर 64 करोड़ रुपए की तजवीज़ मैं सर रखदा गा सर। राज के सरहदी जिले में राज के बॉर्डर के जिले के अंदर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय साल 2023-24 40 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट का प्रस्ताव रखता हाँ, जिस नाल सर अंतरराष्ट्रीय सरहद के नेड़े इलाकों के CCTV कैमरे लाने रोशनी के चंगे प्रबंध करने आने जाने अति आधुनिक गड्डियां खरीदने वर्गे कार्य जो सर शामिल होंगे। इत्थे दसनयोग है कि आम आदमी पार्टी के सत्ता विच आउण तों बाद इस एक साल विच वापरियां घटनावां नूं लैके विरोधियों वल्लों लगातार मान सरकार नूं घेरिया जा रहा है। पंजाब विधानसभा दे बजट इजलास दे शुरू होण तों लैके हुण तक विरोधियों ने सिर्फ कानून व्यवस्था नूं लैके मान सरकार नूं कई सारे सवाल किए ने, जिस तहत हुण पंजाब दी कानून व्यवस्था नूं मुख रखते हुए मान सरकार दे वल्लों पुलिस अते कानून व्यवस्था नूं अपने बजट विच थां दित्ती है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा वालों बजट पेश करन तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का पहला बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अज साडी सरकार ने आम लोगों का बजट पेश किया है, जिस विच लोगों ते कोई भी नवा टैक्स नहीं लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट च हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, सेहत सिक्ख्या खेतीबाड़ी रुजगार ते व्यापार नूं उत्साहित करन दी नीति बनाई गई है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे सरकार बनन दी पहली वरेगंढ मौके मान सरकार दे वल्लों अपना 2023-24 दा पूरा बजट पेश किया गया। सरकार वल्लों पेश किया गया यह बजट दूजा पेपर रहत बजट है। इससे मुख्यमंत्री भगवंत मान दा पहला बयान भी सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री मान ने कहा अज साडी सरकार ने आम लोगों दा बजट पेश किया, जिस विच लोगों ते कोई भी नवा टैक्स नहीं लगाया गया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस बजट दे विच हर वर्ग समेत सेहत सिक्ख्या खेतीबाड़ी रुजगार अते व्यापार दा खास ख्याल रखा गया। इस लोक पक्षी बजट लई वित्त मंत्री हरपाल चीमा नूं वधाई, रंगला पंजाब बनाउण वल अग्गे वध रही हां। दसनयोग है कि बजट पेश करन दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस वार उन्हां दी सरकार ने अपने बहुत सारे वादे अते गरंटियां पूरियां कर दित्तियां ने। पंजाब सरकार वल्लों बजट दे विच हर वर्ग दा ध्यान रखा गया। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि वित्तीय साल 2023-24 लई पंजाब दा बजट 1,96,462 करोड़ रुपए होवेगा, जो कि पिछले साल तो 26% ज्यादा है। इस तों पहला 2022-23 विच पंजाब दा कुल बजट 1,55,880 रुपए सी। वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी दी सरकार वल्लों सब तों वध फोकस सिक्ख्या अते हेल्थ सैक्टर दे विच रखा गया, जदकि होर वर्गा दा वी इस विच
खास ख्याल रखा गया। पर गौर करने वाली गल यह है कि सरकार दे इस बजट दे विच आम आदमी पार्टी ने जो चोन प्रचार दौरान 1,000 रुपए पंजाब दिया औरता नू देन दा वादा किता सी जा कह लईए कि गारंटी दिती सी ओह हाले तक पूरी नहीं हो पाई है। वेखना होवेगा कि इस मामले दे विच हुण विरोधी पार्टियां दे वल्लों मान सरकार नू घेरिया जांदा है जां फिर नहीं। बजट पेश करन तो बाद खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नू संबोधन किया। इस दौरान चीमा ने सरकार दियां प्राप्तियां गिणवाईयां। इस दे नाल ही उन्हां विश्वास दवाया कि सरकार वल्लों बाकी रहिंदियां गारंटियां भी जल्द पूरियां कर दित्तियां जाणगियां। चीमा अनुसार सरकार सूबे दे लोकां दा जीवन पद्धर उच्चा चुकण लई वचनबद्ध है, इसलिए बजट च समाज दे हर वर्ग दियां जरूरतां दा ख्याल रख्या गया है। पंजाब विधान सभा दे विच बजट पेश करन तो बाद पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नू संबोधन किया गया। इस दरमियान जिथे उन्हां दे वल्लों सरकार दियां प्राप्तियां गिनवाईयां गईयां ने, उथे उन्हां ने पिछलियां सरकारां नू कोसदिया उन्हां दियां कुछ नाकामियां भी सिद्ध कीतियां ने। नाल ही वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि जो गारंटियां हाले पूरियां नहीं हो पाईयां ने ओह आउण वाले समें दे विच जल्द पंजाब सरकार दे वल्लों पूरियां कर दित्तियां जाणगियां। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बरे दौरान पंजाब के अंदर आम आदमी क्लीनिकां की शुरुआत की, जिन्हां की गिणती अज जिहड़े कम कर रहे नेगे वो 504 आ और 142 दे उत्ते मैं समझदा कम हो रहा, बड़े जल्दी जिहड़े नेगे पंजाब के लोगों को समर्पित किए जाएंगे। 26,797 नौकरियां सरकार वालों सरकार दे अंदर और वख-वख सरकारी एजेंसियां दे अंदर पंजाब दे नौजवानों नूं प्रदान कीतियां गईयां। विद इन ए ईयर पहले साल दौरान ही पूरा किया, अज पंजाब दे लगभग 90% पंजाब दे 90% लोकां दे घरां दे बिजली दे बिल अज जीरो पंजाब दे अंदर आ रहे। एक बड़ी जिहड़ी मैं समझदा गरंटी सी पंजाबियां दे नूं दित्ती सी जिहड़ी असीं वो पहले साल च पूरी की आ। और पंजाब दे अंदर नवी माइनिंग पॉलिसी असी लैके आएंगे, पब्लिक दे लई माइन जिहड़े ने गे वो पंजाब दे अंदर खोले गए ने गे 6%। इस तों इलावा 6% DA की किस्त जिहड़ी कि मुलाजमान की सीगी वो 20 अक्टूबर 2022 च असी दित्ती जाएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दियां सिफारिशां के मुताबिक पे स्केल दिता गया। और दूसरा जुडिशरी के अंदर सैकंड नैशनल जुडिशरी पे कमीशन से जिहड़ा वो पंजाब के अंदर लागू किया गया, जिहड़ा कि 2016 तो पेंडिंग पिया सीगा। स्टेट एक्साइज पंजाब के अंदर जिस एक्साइज की पॉलिसी लैके आपोजिशन धिर कद मानजो गवर्नर साहब नूं मिलदियां ने, कदे किते जांदियां ने, कदे किते घूमदियां ने, क्योंकि पहली बार पंजाब के अंदर शराब माफिया नूं बुरी तरह तहस नहस किया गया, शराब माफिए का लक तोड़िया गया। जिहड़ियां पार्टियां सत्ता तो बाहर ने उन्हां द्वारा चलाए स्थापित किए शराब माफिया नूं पंजाब दे अंदर जे तोड़िया गया तो पहली बार होया कि 45% का स्टेट एक्साइज दे विच जिहड़ा उह वाधा होया। इसे गल करके कोई ना कोई बहाना बना के उस माफिए दे राहीं उस माफिए नूं प्रोटैक्ट करन दे लई अपने बंदियां नूं प्रोटैक्ट करन दे लई गवर्नर साहब नूं और होर जगह पर जाके मिसगाइड झूठा प्रचार जिहड़ा कीता जा रहा। पर मैं बड़े दावे देना कहना कि 45% का वाधा होया गा। इस तो बिना नॉन टैक्स रेवेन्यू दे विच 26% का स्टेट दी जीएसटी दे विच 23% का स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन दे विच 19% का टैक्स ऑन व्हीकल दे उत्ते 12% का। सो रेवेन्यू रिसीट जिहड़ियां नेगियां वो 23-24 जिहड़ी सानूं उम्मीद आ कि वो लगभग इस साल 98,852 रहने की उम्मीद है जी। बिल्कुल बहुत जल्दी जिन्नियां भी गरंटियां रहिंदियां नेगियां उन्हां सारियां गरंटियां दे उत्ते काम हो रहा गा। वैसे तो पहली सरकार आ, क्योंकि एक्सपैक्टेशन बहुत हाई ने तुहाडियां भी सब दियां कि पहले साल च ही सारे काम हो जाण, पर लेकिन मैं बड़े विश्वास दे नाल कहना गा कि जिहड़ियां रहिंदियां गरंटियां ने वो भी असीं पूरियां करांगे। आम बजट दौरान विरोधी धिर कांग्रेस ने विधान सभा च हंगामा किया।
इस दौरान स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने विरोधी धिर नूं मर्यादा दा पाठ भी पढ़ाया। स्पीकर संधवा ने कहा कि सिर्फ खबरां च आउण लई ते अपनी हाजिरी लवाउण लई इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। बाद च पत्रकारां नाल गल करदिआं पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने कहा कि सरकार ने एक साल बीतण दे बाद भी औरतां नूं 1000 रुपए महीना देण दा वादा पूरा नहीं किया। जो समाजिक सुरक्षा वाला पन्ना आया बहुत वड्डा एक वादा किया सी 1000 रुपए वाली गल कीती सी 1000 रुपए असीं लोकां नूं देंगे गरीबां औरतां नूं देंगे उसे वादे ते अज सरकार आई है। अज एक साल बीत गया पिछले साल भी इस मुद्दे नूं नहीं छकिया क्योंकि अजे सरकार सी। एक साल बीत जाण दे बाद जो वादा जिहड़ा लोकां नाल कीता सी ओह गायब है। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिता है। चन्नी दी अज अमरीका दे कैलिफोर्निया लई फ्लाइट सी। चन्नी उत्थे गुरु रविदास जी दे नगर कीर्तन च हिस्सा लैण लई जा रहे सन। इस संबंधी उन्हां नूं अमरीका दीआं संगतां वल्लों सद्दा भेजिआ गिआ सी। चरणजीत सिंह चन्नी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 दिन पहलां सदन च कहा सी कि असीं चन्नी खिलाफ़ केस दर्ज करांगे ते उस नूं जेल भेजांगे। चन्नी ने कहा कि जेकर मैं अज अमरीका चलिया जांदा तां उन्हां ने कहना सी कि दौड़ गिआ। चन्नी अनुसार इत्थे रह के सारे इल्जामां दा सामना करनगे। उन्हां अपनी यात्रा रद्द करन लई अमरीका दी संगत तों मुआफ़ी भी मंगी है। विधानसभा सैशन दौरान पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों मैनूं फड़ के जेल भेजण दे दित्ते बयान तों बाद मैं अपना विदेशी दौरा रद्द कर दित्ता है। इह बयान पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रैस वार्ता दौरान दित्ता है। उन्हां कहा कि श्री गुरु रविदास जी संबंधी कैलिफोर्निया विखे कढ़े जा रहे नगर कीर्तन दे विच शामिल होण लई मैनूं सद्दा दित्ता गिआ सी पर मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों विधानसभा दे विच इह बयान दित्ता गिआ सी कि चन्नी नूं वी फड़ के जेल अंदर भेजणा है इस ते वी केस बनवाउणी नहीं। उन्हां कहा कि जेकर मैं हुण कैलिफोर्निया चला गिआ तां इन्हां ने मेरे ते इल्जाम लगाउणे है कि मैं भज गिआ इस करके मैं विदेश जाण दा प्रोग्राम रद्द करदिआं अपनी टिकट रद्द करवा दित्ती है। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया जगह उत्थे श्री गुरु रविदास जी का एक टेंपल बनया होया बहुत बड़ा उत्थे हर साल 23 साल तो एक बहुत बड़ा विशाल नगर कीर्तन निकलता है। उत्थे दिया संगतां नूं मैं बहुत बहुत बधाई देना कि वह हर साल बहुत बड़ा एक नगर कीर्तन कढ़दे। उन्होंने मैनू भी इनविटेशन भेजा सी ते मैं टिकट बुक कराई हुई सी अज मेरी फ्लाइट सी पर 2 दिन पहला मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा बोलिया कि चन्नी नूं भी फड़ के अंदर देना है इहदे पर भी केस बनाने है। मैं कहा जे मैं चले गया तो बाद च कहेगा भज गया इस करके मैं वह मैनू अपनी फ्लाइट कैंसल करनी पई है अज मैं नहीं जा रहा। मैं कैलीफोर्निया दियाँ खास तौर पर सैक्रामेंटो जिहड़ा गुरु रविदास जी का टेंपल है उहदी जिहड़ी कमेटी है उहदा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि तुसी मैनू इनविटेशन दिता ते मैं बहुत बहुत बधाई देना कि वह एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन उत्थे कढ़दे आ ते उहदे च हैलीकाप्टर नाल फुल भी गेरे जांदे बहुत वड्डी गिणती च संगतां आउंदियां सारी अमरीका दीआं संगतां नूं उहदी बहुत बहुत बधाई हो। इस साल हुण तक दीआं खबरां ते जांदे जांदे एक बार फिर नज़र पाउने आ मुख खबरां ते। भगवंत मान सरकार दा पहला बजट पेश ना कोई नवां टैक्स ते ना ही मिली कोई छोट। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा बजट च हर वर्ग दीआं जरूरतां दा रख्या ख्याल। हरपाल चीमा ने 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। ये पिछली वार नालों 26% वध। सरकार ने सेहत ते सिक्ख्या खेत्र च सहूलतां ते दित्ता ज़्यादा जोर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की बजट की तारीफ। मान ने कहा सारियां दीआं उम्मीदां ते पूरा उतरन वाला आम लोगों का बजट किया गया पेश। असी जनता ते नहीं कोई नवा लाया टैक्स। बजट इजलास दौरान कांग्रेस का हंगामा। राजा वड़िंग ने कहा सरकार का एक साल पूरा होने के बाद भी कई वादे अधूरे औरतों को 1000 रुपया महीना देने बारे जिक्र नहीं किया। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रद्द किया अमरीका दौरा। चन्नी ने कहा भगवंत मान मैनू गिरफ्तार करना चाहते हैं इसलिए देश छड़ के नहीं जावांगा। इस दे नाल ही अपने जसवीर नूं दिओ इजाजत। सेहतमंद रहो सुरक्षित रहो ते देखते रहो TV पंजाब।